सो हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? वेलकम बैक ट्रेवल पब्लिक फूड में आप लोगों को खुशामदीद। एपिसोड पार्ट 3। जैसा कि आपने पुराने व्लॉग में, इससे पीछे जो पार्ट थे उसमें आपने देखा कि मैंने कैसे जाकर टिकट लिया, उसके बाद ट्रेन के पूरी जर्नी मैंने आपको बताई, ट्रेन में पूरा आपको बताया मैंने क्या है, क्या खाया, कैसे सोया, कैसे बैठा, हर चीज़ आपके साथ शेयर की। फिर उसके बाद थाईलैंड का बॉर्डर कैसे क्रॉस किया और उसके बाद क्रॉस करके अभी आपके सामने हूँ। जिस भाइयों ने मेरा लाइक सब्सक्राइब चैनल नहीं किया, वो मेहरबानी करके लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, और आगे अपने दोस्तों को भी सेंड कीजिएगा, क्योंकि जब आप मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट्स करते हैं नीचे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाता हूं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये जी थाईलैंड का ड्राइवर है, और बस बड़ी हिल रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रोड यहाँ पे ऊंचा नीचा अप एंड डाउन है रोड यहाँ पे। तो मेरा जी टूर है यहाँ से हताए, उसके बाद कराबी, उसके बाद पोकेट, उसके बाद थाईलैंड, उसके बाद पताया, उसके बाद बैंकॉक। ठीक है जी, तो मेरा ये सारा टूर है तकरीबन 1 मंथ का, तो 1 मंथ आप मेरे साथ रहिएगा। 2 hours later। तो जी मैं इस टाइम पे कराबी बीच जा रहा हूँ और मैं ऐसे सुजुकी टाइप है, मेरे किधर बैठो आप देख सकते हैं, सेम लाइक सुजुकी जैसे होती है ना वो है, और इसको टुक टुक कहते हैं। नहीं, टुक टुक भी नहीं कहते, टुक टुक दूसरी चीज़ होती है पर टुक टुक से मिलता जुलता है। ये देखिए, ये मैं स्टेशन पे उतरा, कराबी के स्टेशन पे उतरा, और उसके बाद अभी मैं कराबी रिवर जा रहा हूँ। ठीक है जी, ये ऐसे कराबी रिवर मेरे साथ रहिएगा, बहुत मजा है, बहुत मजा है। और इसने कराबी रिवर जाने तक लिए हैं 80 बार। ठीक है जी, 80 बार पे ये जा रहा है कराबी रिवर, मुझे छोड़ेगा। मेरे बाल देखे कैसे हो गए हैं, मौसम अच्छा हो गया, चलिए अभी मिलते हैं आगे। तो हेलो जी, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक ठाक है? तो मैं जी कराबी बीच पहुंच गया हूं और ये है जी थाईलैंड का कराबी बीच, आप देख रहे होंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूं, शुक्र आता हूं मेरे चैनल को, जिस भाई ने सब्सक्राइब लाइक नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं 15-20 दिन में यहाँ पे हूँ कराबी और थाईलैंड में हूँ, उसके बाद मैंने पोकेट पर जाना है, उसके बाद मैंने बैंकॉक जाना है। ठीक है, मेरी सारी वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल और देखिएगा मेरी सारी वीडियो, और मैं आपको भी बताता हूँ कि मैं किधर जाना है, किधर नहीं जाना। ठीक है जी, तो मज़ा आएगा, एंजॉय कीजिएगा, मेरे साथ जाइएगा। तो जी ये जी नाइट मार्केट टू कराबी, ये कराबी बीच की नाइट मार्केट है जी, तो मेरे साथ रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैंने पहले आपको बता दिया था पहले एपिसोड में कि कैसे ट्रैवल हुआ, कितने पैसे लगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने आपको उस टाइम पे सब कुछ बता दिया था। तो अगर आप मेरे पुराने वाला पीछे वाला व्लॉग देखें, एपिसोड देखें, तो आपको उधर सब पता चल जाएगा कि कितने मेरे यहाँ तक आने में कितने पैसे लगे। सो मौसम अच्छा है, इतनी गर्मी नहीं है, बस अच्छा मौसम है, मतलब कि आप पसीना नहीं आता, बंदा घूमते उसको पसीना नहीं आता। और आप देख रहे हैं मेरे राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे क्लब है, रेस्टोरेंट्स हैं,
और लोग यहाँ पे आते हैं पूरी वर्ल्ड से। ये एक ऐसा कंट्री है बैंकॉक थाईलैंड, ऐसा कंट्री है कि जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं। आपके यहाँ पे हर एक नस्ल का लोग मिलते हैं, हर एक नस्ल के लोग मिलते हैं और हर कोई इंजॉय कर रहे हैं। मतलब किसी को किसी के साथ काम देन कुछ भी नहीं है, बस अपना इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये जी मुझे एक हलाल फूड नज़र आया है, तो मैंने कहा चले मैं इधर चला जाऊँ कुछ खा लूँ, और अब मैं कुछ खाता हूँ जी, और आप मेरे साथ रहिएगा। ये मैंने जी अभी खाना मंगाया है, पर मुझे याद नहीं रहा कि मैं पूरी वीडियो बनाता हूँ। चले अभी तक खाना ख़त्म नहीं हुआ, ये देख सकते हैं आप, ट्राई करके देखता हूँ। ये पालक पनीर है, टेस्ट अच्छा है, मज़े है। खाना खा के फिर मैं आपको ले जाऊंगा किसी और जगह। 2000 years later. Somebody like me, come on now, follow my lead.